हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का Q&A के 7th एपिसोड में। तो ये है आस्क पीसी एपिसोड 7, और शायद थोड़ा लेट आपको मिलेगा ये अपलोड होता हुआ, क्योंकि मैं अभी रात को ही शूट कर रहा हूँ, तो इस वजह से सडनली अपलोड करके दूंगा आप लोगों को। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज सबसे पहले लाइक जरूर करना, और आपके मन में जो भी क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं अगले एपिसोड में, तो उसे आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछना #AskPC लगा के। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भाई क्या आप जिम जाते हो? प्लीज टेल। जिम जाता हूँ भाई रेगुलरली। भाई आप होमवर्क करते थे या करते हो? तो भाई होमवर्क मैं नहीं करता अभी भी, और मैंने 6th क्लास तक तो बहुत सिंसियर काम करा है। मतलब 6th क्लास तक जो भी टीचर काम दे देती थी वो करता था, चाहे छोटे से छोटा भी होता था। अगर स्पेलिंग मिस्टेक भी होती थी वो भी करेक्ट करने के लिए बोलती थी, मैं बहुत ध्यान से करता था। और जो रिमार्क्स मिलते थे कि एक्सीलेंट गुड, मैं बहुत खुश हो जाता था जब मिलते थे कॉपी में नोटबुक में, तो वो सब चीज़ें मैं बहुत ध्यान रखता था 6th क्लास तक। लेकिन 6th के बाद क्या हुआ, जैसे 7th में आया तो फिर ज़्यादा खेलने कूदने में ज़्यादा ध्यान रह गया, और मोबाइल्स वगैरह में तो फिर मैंने होमवर्क्स पे इतना ध्यान नहीं दिया। और 8th क्लास के बाद तो मैंने जो समर वेकेशन का होमवर्क्स मिलते हैं, हॉलीडे होमवर्क, वो कभी नहीं किया। झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन कभी नहीं किया। भाई कभी हमारे क्वेश्चन भी पिक कर लिया करो। कर लिया भाई। तो मेरा क्वेश्चन है भाई, कस्टम्स के ऊपर वीडियो बनाओ। अब कस्टम्स का ऐसा है कि मैं वीडियो कस्टम्स के ऊपर प्रॉपरली बनाऊँगा या नहीं वो मैं अभी नहीं बता सकता, बट अगर बहुत लोग बोलेंगे कमेंट सेक्शन में तो मैं डेफिनेटली बना दूंगा। लेकिन मैं हर प्रोडक्ट जो बाहर से मंगवाता हूँ तो मैं उसकी वीडियो में बता देता हूँ कि मुझे इसके लिए कितना कस्टम चार्ज देना पड़ा है। फॉर अभी मेरे पास एक फ़ोन आया है Galaxy S8 Plus, तो ये सैमसंग का नहीं है, किसी और ब्रांड की तरफ से है, तो मुझे इसके लिए कुछ 1300-1400 रुपये कस्टम देना पड़ा था। तो जो भी प्रोडक्ट मैं बाहर से मंगवाता हूँ तो उसका जितना भी कस्टम लगता है वो मैं आपको बता देता हूँ। और अगर आप कस्टम के ऊपर एक वीडियो चाहते हो, कस्टम चार्जेस के ऊपर, कि कैसे डिपेंड करता है, कैसे वेरी होता है, कितने प्रोडक्ट्स पे क्या क्या लगता है, तो अगर वो चाहते हो मैं बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर मैं उस पर रिसर्च करके अच्छे से आपको बना के दूंगा। भाई व्हाट्स योर हाइट? तो मेरी हाइट मैंने एग्जैक्टली अभी तो नहीं मेजर करी, पहले करी थी 1-1.5 साल पहले, तब थी 5'8", तो अभी होगी अप्रॉक्सीमेटली 5'9", 5'9.5, इतनी होगी 5'9", 5'9.5 के आसपास। क्या क्या सीरियसली भाई, अभी 18 साल का होऊंगा मैं? क्या क्वेश्चन पूछा है? तुम क्या शाहरुख खान हो या सलमान खान हो? मतलब ये पूछ रहे हैं क्या शाहरुख खान का फैन हूँ या सलमान खान का फैन हूँ। तो मैं बेसिकली दोनों का ही फैन हूँ, दोनों की मूवीज काफ़ी अच्छी आती हैं, बट शाहरुख खान हल्का सा शाहरुख खान थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है, बाकी सलमान भाई तो सलमान भाई हैं। तुम पर्सनली कौन सा फ़ोन यूज़ करते हो, और तुम एंड्रॉयड में कौन से गेम्स खेलते हो? तो पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ Samsung Galaxy S8, और अभी यूज़ कर रहा हूँ ये Redmi Note 4X, जो कि ग्रीन कलर वाला वेरिएंट है, मेरे पास ये काफ़ी टाइम से आया हुआ था, मैंने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई, अगर चाहते हो तो मैं वीडियो बना दूंगा, अदरवाइज़ यही दोनों फ़ोन अभी यूज़ कर रहा हूँ। और रही बात मैं कौन सा गेम खेलता हूँ, तो कोई भी गेम खेल लेता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली मैं खेलता हूँ बुली एनिवर्सरी एडिशन। सब लोगों को पता ही है जिन लोगों ने मेरी व्हाट्स ऑन माय स्मार्टफोन वाली वीडियो देखी है, नहीं देखी तो देख लीजिए, मैं बुली ज़्यादा खेलता हूँ वैसे। भाई जब तुम्हें पहले को वीडियो में अचानक से बहुत व्यूज़ आए और सब बढ़े तो कैसा लगा? ये था पिछली साल अक्टूबर दिवाली के आसपास की बात है, मैंने वीडियो अपलोड करी, रात को सो गया, रात को उस वीडियो पे तकरीबन पहुंच गए थे 1000 व्यूज़, और मैं खुश हो गया था कि 1000 व्यूज़ आ गए हैं, बहुत है, मतलब जो टारगेट था वो अचीव हो गया। लेकिन जब मैं सो करके सुबह उठा तो कमाल हो गया, क्योंकि उस वीडियो पे पहुंच गए थे 2 लाख से ज़्यादा व्यूज़, और ये मेरे लिए एकदम शॉकिंग था। सब्सक्राइबर्स मैंने देखे तो रात रात में मैंने 2 से 2500 सब्सक्राइबर्स गेन करे थे, जो कि बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, बहुत ज़्यादा बड़ी। तो मैं खुश नहीं हो रहा था, पूरे घर में मार्चिंग कर रहा था, और बस यही है, काफ़ी अच्छा लगा था। आपको टेक्निकल गुरु जी का फ़ोन नंबर पता है क्या? कभी डांस किया है? हाँ किया है, बहुत किया है। कभी क्या, बहुत बार किया है, कई सारे मौक़ों पर किया है डांस, ऐसी बात नहीं है, हम इंडियंस हैं भाई, सब डांस करते हैं, और ऑब्वियसली इंडियन डांस तो फेमस है हर जगह पे। तो दोस्तों ये था छोटा सा Q&A सेशन, आई होप आप सभी को बहुत मज़ा आया होगा, और जिन लोगों के क्वेश्चंस मैंने आंसर नहीं करे हैं तो प्लीज़ #AskPC लगा के इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछिए, और उनके आंसर्स मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे को Next Ask PC यानी कि Episode 8 में। तो ये था Episode 7, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बिना नहीं जाना है, अपने दोस्तों को बोलो, घर में बोलो, मम्मी को बोलो, पापा को बोलो, ये चैनल सब्सक्राइब जरूर करवाना है आप लोगों को, ताकि आप लोग देख पाए मेरी वीडियो सबसे पहले। और घंटी दबा दो यार, नीचे आती है छोटी सी घंटी, दबा दो, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं आप लोगों को जल्दी से जल्दी उसको देखने को मिल जाए, नोटिफिकेशन आ जाए। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आप सभी को एक नई और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।